वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले दिनों हम एक सीरीज कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, आज उसका आखिरी एपिसोड है। एक रोचक तथ्य बताता हूँ आपको, इंडियन जनरल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स में 2009 में छपे एक लेख के अनुसार एक स्टडी की गई जहां पर एक ग्रुप के कई लोगों को कई हफ्ते तक एक चम्मच इलायची पाउडर दिया गया और रिजल्ट में ये पाया गया कि उन व्यक्तियों का, उस ग्रुप का ब्लड प्रेशर काफी कम रहा। तो इलायची का सेवन करके भी आप अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। आप एक काम करें, जो आप चाय बनाते हैं उस चाय में थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डालें, थोड़ी दालचीनी डाल दें और इलायची पाउडर का इस्तेमाल करें और इस चाय का आप सेवन करें, आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ ही एक प्रयोग आप और कर सकते हैं, 30 ग्राम लहसुन ले लें, 40 ग्राम तुलसी के पत्ते ले लें और 60 ग्राम के लगभग वीट ग्रास ले लें। इन सबको पीस लेना है, पीस कर इसका जूस निकाल लेना है और एक चम्मच इस जूस का आप रोज सेवन करें, इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। कुछ छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको और बता देता हूँ। एक चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड और एक चम्मच वाटरमेलन सीड, ये आपको लेना है दिन में दो बार, एक महीने तक आप ये प्रयोग करें, ये भी ब्लड प्रेशर कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। नागफनी, कैप्सिकम और लहसुन, इनका सूप बना लें आप और ये सूप एक कप आप रोज पिए, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको तरबूज, गाजर, नींबू, शहद, ये आपको रोज खाना चाहिए। आप शहद का ही प्रयोग कर लें तो भी काफ़ी है, क्योंकि शहद जो है ब्लड वेसल्स को काम डाउन करता है और जिसके कारण हार्ट पे प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दो चम्मच शहद सुबह ज़रूर खा लें, लेकिन तरबूज का प्रयोग करें, गाजर का प्रयोग करें। आप जूस निकाल सकते हैं, तरबूज गाजर इसको मिलाकर इनका जूस निकाल लें, उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ लें, शहद मिला लें और इस जूस का प्रयोग करें, आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। इसी तरह से संतरे के जूस का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है, मैंने एपिसोड में भी आपको बताया था। संतरा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, लो ब्लड प्रेशर में भी काम करता है। तो एक ग्लास संतरे का जूस का रोज प्रयोग करें। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है तो आप दो ग्लास तक संतरे के जूस का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करेगा। एक रेमेडी मैं आपको और बता देता हूं, इसके लिए आप क्या करें, आधा कप उड़द दाल ले लें, ब्लैक ग्राम दाल ले लें और दो अंजीर ले लें। इसको एक मिट्टी के बर्तन में डालकर, दो ग्लास पानी डालकर रात भर भिगो कर रखना है। सुबह उठने के बाद इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि पानी एक ग्लास ना रह जाए। उसके बाद इस पानी में एक चम्मच आपको अवर्तकी, जिसको तरवर भी कहते हैं, इसके बीज मिला लेने और ये एक ग्लास पानी आपको पी जाना है। ये प्रयोग भी अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगेगा। फिश ऑयल का प्रयोग भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप फिश ऑयल का सेवन करके देखें, अगर आपको जरा भी कोई साइड इफेक्ट दिखे तो इमीडिएटली इसका प्रयोग बंद कर दें, क्योंकि हमने इतनी सारी रेमेडीज दी हैं इस सीरीज में कि उनका इस्तेमाल करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही कंट्रोल में रहेगा। तो खाना बिल्कुल आसान आसान सा उपाय, बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।